वेलकम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास आई डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर अप टू 4, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई एम मिथुन सरकार and I always come back this types of educational video, so stay with your teacher. Students, discuss definition and examples in a sentence. Okay, so let's write our next number, that means number 5. Why I write number 5? Because we already discussed number up to 4. Number 5 is at var. अगर तुम पहले क्लास नहीं दिखा है तो उसको देखो तो आगे का पता चलेगा, नहीं तो तुम समझ में नहीं पाओगे। एंड एडवर्ब मॉडिफाइज एंड एडवर्ब मॉडिफाइज मेनली ए वर्ब एंड एडजेक्टिव mainly a verb or adjective or adverb, that means a verb को adjective को और adverb मतलब खुद को ही modify करते हैं। चलो example देख लेते हैं तो अच्छे से समझ पाओगे। पहला नंबर है, हम लोग दो दो लिखेंगे, ही इज दिया, मतलब बता रहा है ये कहां पे है, तो दिस इज एडजेक्टिव। देन नंबर बी लिखो, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, जल्दी में काम करो ये बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। ओके, तो नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं प्रीपोजिशन। प्री पोजिशन, पोजिशन मींस कोई जगह और प्री मींस उसके पहले, तो नाम से पता चलता है ये किसी का पहले आगे नहीं तो बाद में बैठते हैं। ओके, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ये प्री पोजिशन इज ए वर्ड, मेरे साथ साथ लिखो, यूज्ड बिफोर, देखो बिफोर लिखा प्री। ओके, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को पहले बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं, टू शो इट्स, इट्स मीन्स प्रीपोजिशन का रिलेशनशिप रिलेशनशिप और रिलेशंस, रिलेशनशिप मत लिखो, रिलेशन विथ, किसके साथ, विथ अदर अदर्स वर्ड इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस है सेंटेंस के बीच में वो नाउन और प्रोनाउन के पहले बैठ के दूसरा जो वर्ड है उसी सेंटेंस में उसके साथ रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तो चलो इसी के नीचे लिख लेते हैं।
यहाँ पे लिखो नंबर, ये लिखो थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं बच्चे, पिया लिव्स एट सॉल्ट लेक। ये क्या बता रहा है, सॉल्ट लेक में वो रहते हैं, तो एट इज प्रीपोजिशन। देन नंबर बी लिखो, ये कैट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक कैट बैठा है, ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा प्रीपोजिशन ऑन, इसको नोट डाउन करो। देन सेवन और एट भी लिखाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू नोट डाउन लास्ट टू वन, आई राइट हियर कंजंक्शन, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये कंजंक्शन कंजंक्शन जॉइन टू पार्ट्स और सेंटेंस, कंजंक्शन वही है जो दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं और दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखो, नंबर ए कैट्स, कैट्स में सारे के सारे कैट्स लाइक मिल्क एंड फिश, जल्दी में बताओ तो कौन सा होगा। हाँ सही कथा है, एंड देखो ये दो वर्ड को जोड़ दिया, तो दिस इज कंजंक्शन। ओके नेक्स्ट लिखो, द मैन इज फोर, आदमी गरीब है बट ऑनेस्ट, वो सात है बट ऑनेस्ट, तो इसमें कौन सा होगा बट, क्योंकि ये भी इसको जोड़ा है। ओके लिखो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब है, उसको सब्सक्राइब करो और पास में एक बेल बटन है उसको प्रेस कर दो, तो सारे के सारे सर का क्लास तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। ओके नंबर एट लिखो लास्ट वन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, चलो इसको भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंड इंटरजेक्शन, देखो मैंने यहां पे ये लिखाया था, यहां पे यहां लिखा क्योंकि ये वॉवल है, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स बताते हैं, एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन और फीलिंग, सर्टेन इमोशन, इमोशन मीन्स हम लोगों का हम लोग खुश है ना दुख, हम लोग दुखी है, ये सब बताते हैं, इमोशन और फ्लीइंग, फ्लीइंग ऑफ माइंड, हमारा मन का भाव ये बताते हैं, कौन बताते हैं इंटरजेक्शन। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर दो, तो तुम्हें
क्लास सबसे पहले मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन रखने का कोई जरूरत नहीं है। हुर्रे, हुर्रे क्यों बोला? क्योंकि हम लोग एक खेल ने गए थे तो वो खेल जीत गया। वी हैव ओन। मान लो तुम खेल ने गया फुटबॉल तो तुम्हारा टीम जीत गया, तो हम लोग इस तरह से हमारा फीलिंग बाहर लेके आते हैं, भूल रहे इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। देन अगर किसी का कुछ डेट हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग बताते हैं आ। और इसके बाद ये तो मैंने दिया, इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, द डॉग इज डेड। मान लो रास्ते पे कोई डॉगी मर गया तो हम लोग किस तरह से दुख की हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग किस तरह से हमारा मन का जो भाव है वो बाहर लेके आते हैं। नोट डाउन करो प्रॉपरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो प्रॉपरली पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी कैंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली आवर ग्रामर, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ओके स्टूडेंट्स। आई होप यू नोट डाउन प्रॉपरली एंड दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। सो इफ यू लाइक दिस क्लास, इफ यू लाइक योर सर, यू कैन लाइक एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।